जनपद हापुड़ के जिला अधिकारी प्रेरणा शर्मा ने नागरिकों व किसानों से अपील की है कि सभी मिलकर प्रदूषण रहित दिवाली मनाएं और किसान खेतों में पराली न जलाएं। एयर क्वालिटी कंट्रोल के लिए प्रदूषण पर नियंत्रण जरूरी है। प्रदूषण बढ़ने से बीमार लोगों व नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जिला अधिकारी ने बताया कि अभी तक सैटेलाइट के माध्यम से 9 घटनाएं प्रदूषण के सामने आई, जिनमें 2 घटनाएं पराली जलाने की है, जिस पर रिफाइन किया गया है। किसानों को विभिन्न माध्यमों से पराली न जलाने तथा पराली का सदुपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह जानकारी जिलाधिकारी ने गुरुवार को पत्रकारों को दी। हापुड़ से गौरांग गोयल की रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं कि हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग की जाती है। इस बार अभी तक हमारे यहाँ पे 9 घटनाएं सैटेलाइट के माध्यम से रिकॉर्ड हुई है। उसमें से सिर्फ 2 घटनाएं पराली वाली आई हैं, जिन पे फाइन हमने लगा दिया गया है। और बाकी पिछले एक महीने से सभी किसान दिवस के माध्यम से और किसानों के साथ गोष्ठियां करके उनको बताया गया, और यहाँ पे सब लोग इस बारे में इन लोगों को क्लियर भी है कि पराली नहीं जलानी है। और हमने उनको अल्टरनेटिव्स भी दिए कि वो अपनी पराली को कहाँ बेच सकते हैं, और अगर वो बेचना ना चाहें तो बायो डाइजेस्टर के माध्यम से उसको अपने खेत में ही उसको मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक SDM की अध्यक्षता में सभी तहसीलों में एक मीटिंग हुई है, जिसमें कि सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के और उनको बताया गया कि पराली क्यों नहीं जलानी है, और अगर ये जलाएंगे तो इस पर क्या फाइन और क्या लीगल प्रक्रिया हो सकती है। तो जिस तरीके से प्रदूषण हो रहा है, दीपावली आ रही है, तो पटाखों पर क्या बैन रहेगा, किस तरीके से प्रशासन की क्या जो है ट्रिगर रहेगा? देखिए, इस पे हम अभी पोल्यूशन डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। जैसे वो आ जाएगी तो उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। बाकी एयर क्वालिटी को लेके एक जनरल अपील आपके माध्यम से मैं ये करना चाहती हूँ कि सभी लोग कोशिश करें कि दिवाली के आने पर पोल्यूशन जो है कम हो, बिकॉज हर साल हम देखते हैं कि लास्ट 4-5 डेज में पोल्यूशन एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, जिससे जो लोग मेडिकली जिन लोगों को दिक्कत है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम सब प्रयास कर सकते हैं हम एक ग्रीन दिवाली बनाएं। प्रदूषण को लेकर मैम, क्या ईंट भट्टों और फैक्ट्रियों को भी कोई दिशा निर्देश जारी किया? देखिए, जब ये जो एयर क्वालिटी का कमीशन है दिल्ली का, इसमें जैसे ही दिल्ली की एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लागू कर दिए जाते हैं। अगर एयर क्वालिटी 400, 500, 600, 800, 900 तक जाती है तो उसमें प्रोटोकॉल है कि क्या क्या बंद होगा, स्टेजेस हैं। तो अगर एक मिनिमम स्टेज पे है, अगर हम इस एयर क्वालिटी को मेंटेन कर पाते हैं तो कुछ बंद होने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो पोल्यूशन के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो उसमें क्लोज डाउन के प्रोविजन दिए गए हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।